तो दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं रायबली ज़िले के पास। ये लोकेशन पड़ती है, छोटी सी है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल रेलवे ट्रैक भी नज़र आएंगे। एक रायबरेली से लखनऊ की तरफ जाता है और ये उस तरफ वाला ट्रैक जो कि लखनऊ से रायबरेली इलाहाबाद बनारस के लिए जाता है। तो काफ़ी बढ़िया, जब से रेलवे का डबलिंग का कार्य हो गया है और विद्युतीकरण का भी कार्य हो गया, तब से काफ़ी आसानी भी हो रही है। और यहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक पे लगातार अब क्रॉसिंग की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है तभी क्रॉसिंग होती है, नहीं तो एक तरफ से गाड़ी जाती है एक तरफ से आती है। तो देख सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। और ये वाला रेलवे ट्रैक आपको बता दें कि अभी जल्द ही बनाया गया है, क्योंकि ये डबल लाइन है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। उस तरफ तो पुराना ही रेलवे ट्रैक है। और ये देखिए नीचे इस जगह को आपको बता दें कि कलवा नैया नाला के नाम से जानते हैं। अभी हम आपको नीचे से भी दिखाएंगे और देख सकते हैं कि पीछे बांस के बांस कोठी इसको बोलते हैं। पीछे देखिए नहर, कितना बढ़िया पानी लग रहा है। अभी नीचे चलते हैं और अभी हमने सोचा कि आपको ऊपर से दिखा दें। तो ये है प्यारी सी रेलवे ट्रैक और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है नैया। नीचे देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये जगह ही काफ़ी खूबसूरत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको इस जगह से भी रूबरू करवाएं। सामने अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो वो है लखनऊ प्रयागराज हाईवे। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको ऐसे ही बेहतरीन प्लेसेस देखने को मिलती रहती हैं। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी दोस्तों, क्योंकि कुछ व्यस्तता थी लाइफ में। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि इस चैनल पे आपको रेगुलर ना हो पाए तो कभी कभी तो वीडियो देखने को मिले ही। और देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये देखिए पानी बह रहा है और इस टाइम नैया में पानी भी काफ़ी आ गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम आपको नीचे से दिखाएंगे, ये देखिए ये पानी की आवाज़ देखिए खल खल की, कितनी अच्छी लग रही है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है, अभी अगर ट्रेन आती है तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और हम आपको रायबली ज़िले के आसपास ऐसी खूबसूरत प्लेसेस दिखाते रहते हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये जो नोमैडिक सचिन चैनल है इस पे आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। जिन जगहों के बारे में शायद आप ना जानते हों वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि पास में छोटे छोटे गांव हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस जगह के बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कलवा नैया नाला स्पैन 3x12.20 m PSC स्लैब ब्रिज नंबर 592। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब चलिए आपको हम नीचे से इस जगह के बारे में पूरी डिटेल देते हैं और दिखाते हैं कि क्या नज़ारे हैं यहाँ के। ऊपर से नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नज़र आएंगी, तो आसानी से आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं। और इस बार तो रेलवे ने काफ़ी अपडेट किया है, अगर आप लखनऊ से बनारस तक जाएंगे तो आपको जितने भी स्टेशन हैं काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। काफ़ी अपडेट हर स्टेशन पर किया गया है और इसके साथ साथ डबल लाइन और विद्युतीकरण का काम तो किया गया ही है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये है वो ब्रिज जो कि इस नैया के ऊपर बना हुआ है। और देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए और ये ब्रिज देखिए जब से ये डबल लाइन हुआ है देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि ये पानी की जो आवाज़ है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको इस रेलवे ब्रिज में। देखिए, पुराने वाले में तो ऐसे ही बनाया जाता था लोहे के ब्रिज, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि लोहे का नहीं, ये सीमेंट के बड़े बड़े पिलर टाइप में बनाए गए हैं, मोटे मोटे, और उस पे ये ब्रिज बनाया गया। तो कितनी मजबूती, देख सकते हैं कि काफ़ी मजबूत होगा, क्योंकि लोहे में क्या होता है ना कि पेंट करना होता है या उसको ज़्यादा सही से देख रेख करना होता है, क्योंकि मूर्छा वगैरह जंग वगैरह भी लग जाती है। लेकिन इसमें सही है क्योंकि ये सीमेंटेड है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और पानी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये है रेलवे वाला पुराना ब्रिज, देख सकते हैं लोहे से बनाया गया है पूरा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए, इस नैया में काफ़ी पानी आ गया है, और जैसे जैसे बारिश का सीज़न अब आएगा तो और भी पानी, काफ़ी दूर तक यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलता है। ये सामने आप जो खेत देख रहे हैं यहाँ तक भी पानी आ जाता है इस नैया का। और देखिए कितना प्यारा है ब्रिज लग रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ इस चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं, तो चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलती रहे।